What do you mean by decorator? Explain it with an example and also give some real-time scenarios that where you use decorator. Also, have you ever used decorator in your project? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि इंटरव्यू के दौरान डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं. So watch the video till the end क्योंकि लास्ट तक जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अ डेकोरेटर. डेकोरेटर क्या होता है? तो डेकोरेटर इज जस्ट अ फंक्शन. जैसे आप बाकी फंक्शंस को यूज करते हो वैसा ही डेकोरेटर होता है. लेकिन बाकी जब आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसमें जब आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो वो कोई इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है. लेकिन डेकोरेटर के केस में वो एक फंक्शन होता है जिसके कारण उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम डेकोरेटर का नाम देते हैं. उसमें आप जो भी फंक्शन डालते हो उसकी इंप्लीमेंटेशन को बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं किया जाता, यानी कि उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता. लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर दी जाती है और उसके बाद फिर से एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया जाता है. तो बेसिक इसमें सिर्फ यही चीज होती है डेकोरेटर. अब जिनको ये चीज समझ में नहीं है उनको मैं एक रियल टाइम सिनेरियो समझाना चाहता हूं कि मान लो कि अगर मैं एक स्कूल की बात करूं, मान लो कि अगर आपका कोई एग्जाम है और आपने प्रॉपर पढ़ाई कर ली है कि यार आज मैं जाकर एग्जाम में प्रॉपर सब कुछ लिखकर आऊंगा. लेकिन जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन होती है कि आपके पास कोई स्लिप वगैरह तो नहीं है या फिर आपके रोल नंबर स्लिप क्या है, सब चीजों की वेरिफिकेशन होती है. उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है उस पर्टिकुलर एग्जाम हॉल में. जब आप वहां पर जाते हो तो आपको जो जो भी चीजें दिमाग में आती हो आप सब कुछ लिखकर आ जाते हो. तो इस तरह से आपका एग्जाम होता है किसी पर्टिकुलर स्कूल में. अब एक स्कूल को आप एक डेकोरेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं. एक स्कूल एक डेकोरेटर हो गया, उसके अंदर जो एक टीचर था जो कि आपकी वेरिफिकेशन कर रहा था वो एक रैपर फंक्शन हो गया. अब इन दोनों का इफेक्ट आप पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगी जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे. उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे आप एक फंक्शन हो, ठीक है, तो जब आप उसके अंदर जाओगे तो उसमें आप पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आपको जो जो आता होगा यानी कि जो आपकी चीजें होंगी, आपके वेरिएबल्स, आपका कुछ भी, आप सब चीजें वहां पर लिखकर आ जाओगे. तो इस तरह से एक डेकोरेटर का कंसेप्ट होता है. अब हम कोडिंग वे में बात करते हैं कि आपको कोडिंग में किस तरह से डेकोरेटर डिफाइन करने चाहिए. कोडिंग वे में बताने से पहले आपको सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि हम डेकोरेटर को यूज क्यों कर रहे हैं. डेकोरेटर को बेसिकली हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं ताकि हमें किसी भी फंक्शन में मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े और उसमें कुछ हम एडिशनल चीजें ऐड कर सके. बस इस पर्पस के लिए हम डेकोरेटर को यूज करते हैं. अब इसके लिए जैसे कि अगर किसी को लॉग इन पर्पस के लिए यूज करना होता है, मान लो कि आपको कब लॉग इन किया है किसी पर्सन ने, वो सब चीजों के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम लॉग इन के लिए डेकोरेटर को यूज कर सकते हैं. ऑथराइजेशन के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए यूज कर सकते हैं, कैशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सब की सब चीजों में हम डेकोरेटर्स को यूज कर सकते हैं. इसके अलावा मान लो कि आपने एक बार डेकोरेटर बना दिया तो उसको आप मल्टीपल फंक्शंस में यूज कर सकते हो, यानी कि इससे रिडंडेंसी भी कम होगी, बार बार आपको सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके कारण हम इन सब वजहों से डेकोरेटर को यूज करते हैं. तो अब बात करते हैं हम किसी भी डेकोरेटर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. वेल, डेकोरेटर को क्रिएट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हाउ अ फंक्शन एग्जीक्यूट इन पाइथन. पाइथन में कोई भी फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इसका आंसर है कि बाय यूजिंग अ पैरेंथेसिस या फिर ओपन ब्रैकेट. अगर हमने ओपन ब्रैकेट का यूज नहीं किया होता तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता. एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फन के नाम से और उसमें मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी और उसके बाद मैंने उसी फंक्शन को कॉल किया नीचे किसी प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर, तो आपको क्या लगता है कि इसमें हमें आउटपुट में क्या चीज देखने को मिलेगी? वेल, तो इस केस में फंक रन हमें देखने को नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमने जब इसको कॉल किया था तो उसके आगे पैरेंथेसिस का यूज नहीं किया, यानी कि ओपन ब्रैकेट नहीं लगाई, जिसके कारण वो फंक्शन सिर्फ हमें डिफाइन किया गया है, यानी कि प्रिंट में वो फंक्शन की डेफिनेशन हमें देखने को मिल गई, ना कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ. तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वो ओपन ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता है ताकि वो पर्टिकुलर फंक्शन रनिंग स्टेट में आ सके. तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि जब हमने पैरेंथेसिस का यूज किया तो उसके बाद वो फंक्शन प्रॉपरली रन होकर हमें रिजल्ट दे रहा है, फंक रन हमें देखने को मिल गया. लेकिन उसके साथ आप एक और चीज भी नोट करोगे कि हमें नन भी देखने को मिल गया. वो नन क्या है कि हमने कोई भी रिटर्न टाइप उसमें नहीं डाली, जिसके कारण हमें उस फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ नल मिल रहा है, जिसके कारण प्रिंट स्टेटमेंट के कारण हमें नन देखने को मिला. अगर हम चाहते हैं कि उस नन को रिमूव करें या फिर उस नन की जगह कुछ और चीज रिटर्न करें तो हम वो सब चीजें भी उसी फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि कोई भी फंक्शन कब एग्जीक्यूट किया जाता है. दूसरा पॉइंट होता है एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट.
सब चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन वैल्यू हो, लिस्ट हो, टपल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबकी सब चीजें एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती हैं, एंड सो डू अ फंक्शन। एक फंक्शन को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब मान लो कि अगर मैंने a इज इक्वल टू 1 लिख दिया, तो वैसे ही मैं a इज इक्वल टू फंक्शन को भी डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि अगर 1 एक ऑब्जेक्ट होता है तो वैसे ही फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके कारण हम ये दोनों चीजें कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन को मैंने बाद में किसी दूसरे वेरिएबल में डाल दिया, फंक वेरिएबल के नाम से मैंने वो वेरिएबल बनाया और उसके बाद मैंने फंक वेरिएबल को ही रन किया, तो हमें आउटपुट में वही फंक्शन की आउटपुट देखने को मिल गई। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल में डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज फंक्शन कैन बी नेस्टेड विद इन अनदर फंक्शन। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने फोर लूप जब यूज करते हैं तो उसके अंदर भी आप फोर लूप लगा सकते हो, उसके अंदर भी आप फोर लूप लगा सकते हो, एक नेस्टेड फोर लूप का कंसेप्ट आ जाता है। उसी तरह से आप फंक्शन को भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, आप बहुत ज्यादा फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो उन सब चीजों को नेस्टेड फंक्शन का नाम दे दिया जाता है। तो हम पाइथन में ये चीज भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में भी देख पा रहे हैं कि मैंने एक आउटर फंक्शन बनाया और उसके बाद मैंने उसी के अंदर एक इनर फंक्शन बना दिया जिसमें मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर दी। अब उसी पर्टिकुलर फंक्शन में, यानी कि आउटर फंक्शन में, मैं किसी इनर फंक्शन को कॉल भी कर रहा हूं और उसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी, दिस इज द एंड ऑफ द आउटर फंक्शन। तो उसके बाद ये चीज रन किस तरह से करेगी कि मान लो कि मैंने आउटर फंक्शन को कॉल किया, तो सबसे पहले आउटर फंक्शन में सारा कंट्रोल जाएगा और उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो उसके बाद जो 6 पे मैंने लाइन लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने उस इनर फंक्शन को कॉल किया है। तो जब वो रन होगा तो सबसे पहले उसके अंदर वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट था, दिस इज इनर फंक्शन, वो चीज रन होगी और उसके बाद रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद 7th लाइन प्रिंट होगी, यानी कि दिस इज एंड ऑफ आउटर फंक्शन। तो इस तरह से ये सारा का सारा फंक्शन रन होगा। आई होप कि इसकी एग्जीक्यूशन आपको समझ में आ गई हो और आपको ये कंसेप्ट भी पता चल गया हो कि हम फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन की तरह किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसी में मान लो कि जैसे आप फोर लूप का यूज करते थे, फोर लूप में आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते थे जिसका सिर्फ और सिर्फ आप उसी फॉर लूप में यूज कर सकते थे, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह से अब फंक्शन में भी ऐसा ही होता है कि मान लो कि अगर मैंने इनर फंक्शन की बात करूं, इनर फंक्शन को अगर मैं बाहर से कॉल करूंगा तो वो ऐसा बता देगा कि ये अभी तक बना ही नहीं है या डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ उसके अंदर तक था, यानी कि आउटर फंक्शन के अंदर तक ही उसका स्कोप था, जिसके कारण हम उस चीज को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। तो इसमें आपको ये वाला एरर देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट इज अ फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में, तो उसी तरह से फंक्शन भी ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसके कारण आप अगर बाकी चीजों को रिटर्न कर सकते हो तो उसी तरह से आप फंक्शन को भी रिटर्न करके रख सकते हो। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि मैंने जैसे आउटर फंक्शन डिफाइन किया, देन इनर फंक्शन डिफाइन किया, उसी के बाद मैं इनर फंक्शन को रिटर्न भी कर रहा हूं, तो इसमें हम ये चीज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन को हम रिटर्न भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अ फंक्शन कैन बी पास टू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन वैल्यू, लिस्ट वगैरह को आप एज ए पैरामीटर किसी भी फंक्शन में डाल सकते हो, तो उसी तरह से आप फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हो। अब उसके बाद आपको मैं अगर ये एग्जाम्पल दिखाऊं तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में आपको कुछ बताने की जरूरत है। 1 से लेकर 7th लाइन तक आई थिंक सब कुछ क्लियर ही होगा। 9th लाइन की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक अलग से फंक्शन डिफाइन किया था, आर्ग्यूमेंटल फंक्शन, देन उसके बाद मैंने उसमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर दी। ये आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो ताकि आप उस फंक्शन को उस डेकोरेटर में भेज सको। उसके बाद जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि किसी भी फंक्शन को हम किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, तो वही चीज मैंने लाइन नंबर 12 पे लिखी है, वेरिएबल आउटर फंक्शन इज इक्वल टू आउटर फंक्शन, एंड उसके बाद मैंने उसके अंदर कोई फंक्शन पास कर दिया। तो इस लाइन पे सिर्फ और सिर्फ आउटर फंक्शन और उसके बाद आर्ग्यूमेंटल फंक्शन जो मैंने पास किया था, सिर्फ वही चीज रन होगी। तो अगर मैं कोड की बात करूं तो ये कोड में किस तरह से रन किया जाएगा, सबसे पहले पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी वाली लाइन और तीसरी चौथी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि इस फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं गई। उसके बाद 6th लाइन एग्जीक्यूट होगी बिफोर रिटर्न, तो बिफोर रिटर्न हमें प्रिंट स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि 7th लाइन पे लिखा है रिटर्न इनर फंक्शन, तो इस वेरिएबल में, यानी कि वेरिएबल आउटर फंक्शन में, हमें इनर फंक की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि हम इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं, वेरिएबल आउटर फंक इज इक्वल टू इनर फंक। इतना आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि अभी मैंने इनर फंक के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाए, यानी कि इनर फंक्शन अभी तक कॉल नहीं गया, तो अभी तक हम सिर्फ यहीं पर
तक पहुंचे हैं कि वेरिएबल आउटर फंक इज इक्वल टू इनर फंक। अब हम 13th लाइन पर आएंगे यानी कि बिफोर एग्जीक्यूटिंग वेरिएबल आउटर फंक, तो हमें यही चीज आउटपुट में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 14th लाइन की अगर मैं बात करूं यानी कि वेरिएबल आउटर फंक, तो अब इसमें मैंने पैरेंथेसिस का यूज किया है यानी कि ये फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, तो इस टाइम पे वो सेकंड वाला जो लाइन था वो चीज रन होगी यानी कि इनर फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया था, और उसके बाद प्रिंट दिस इज इनर फंक्शन, तो ये चीज हमें प्रिंट में देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद मैंने लिखा है रिटर्न फंक, फंक के बाद मैंने पैरेंथेसिस का यूज किया है, इट मींस कि मैं उसको असाइन नहीं कर रहा बल्कि उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो उस टाइम पे हमारे पास हमने जो फंक्शन बनाया था यानी कि आर्ग्यूमेंटल फंक्शन वो चीज रन हो जाएगी और हमें इन द एंड दिस इज आर्ग्यूमेंटल फंक देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट एक डेकोरेटर का होता है। जब भी आपसे कोई भी बंदा पूछे कि डेकोरेटर को आप डिफाइन करो, तो आप ये वाली एग्जाम्पल उनको उस दौरान लिखकर दे सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया हो। इसी चीज को एक अल्टरनेटिव वे होता है लिखने के लिए, और वो होता है एट द रेट और उसके बाद डेकोरेटर का नेम। ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट होता है यानी कि आपको किसी भी वेरिएबल को किसी और में डिफाइन नहीं करना पड़ता, इंटरनली इसमें सब चीजें वही ही हो रही होती है, लेकिन इसमें आपको काफी ज्यादा लिखने में क्लैरिटी आ जाती है कि सिर्फ एट द रेट आप कोई भी नाम लिख दो और उसके बाद आप उस डेकोरेटर को यूज कर सकते हो अपने किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में। अब मान लो कि मैंने दूसरी एग्जाम्पल में ये चीज लिखी है, मान लो एट द रेट आउटर फंक यानी कि डेकोरेटर को मैं कॉल कर रहा हूं और उसके बाद मैंने डिफाइन किया है आर्ग्यूमेंटल फंक्शन, तो 13th लाइन में जब मैं आर्ग्यूमेंटल फंक्शन को कॉल करूंगा तो सबसे पहले इस पे वही सारा प्रोसेस रन होगा जो कि पहले वाले केस पे हो रहा था, यानी कि आउटर फंक वाला ही सारा कांसेप्ट रन होगा। और जैसे जैसे मैंने आपको पहले वाला कांसेप्ट एक्सप्लेन करके बताया था, इसमें इसके इंटरनल में भी सारी प्रोसेसिंग उसी तरह से हो रही होती है, तो हमें सेम ही आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा कांसेप्ट समझ में आ गया हो। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं डेकोरेटर के सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स के बारे में मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं पहले बता देता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि लिखा क्या है। अब मैं अगर आपको सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि मैंने सारा का सारा कंसेप्ट आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद मैंने उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया, और आप देखोगे कि मैंने रिटर्न में भी उसी फंक्शन को कॉल कर दिया, और उसके बाद जो मैं एज ए पैरामीटर की तरह किसी फंक्शन को पास कर रहा था उसको मैं इन द एंड रिटर्न कर रहा हूं। तो ये सारा का सारा सिंटैक्स होता है एक डेकोरेटर का। जब भी आपसे कोई पूछे सिंटैक्स क्या होता है तो आप ये चीज एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाता है, तो आप एट द रेट डेकोरेटर का नाम यूज कर सकते हो और उसके बाद किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो ताकि हम उस फंक्शन में उस डेकोरेटर को यूज कर सके। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट होता है डेकोरेटर का। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं कि आप ये वाली एग्जाम्पल अपने इंटरव्यू के दौरान एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। काफी ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल है और आप इस पे दोनों ही कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरिएबल वाला कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके अलावा अल्टरनेटिव जो मैंने लिखा है डेकोरेटर वाला कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करके दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डेकोरेटर को हम किसी भी कंपनी में किस तरह से यूज करते हैं, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट में रेगुलरली डेकोरेटर को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो या फिर किस तरह से यूज करते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा क्रॉन जॉब्स वाली, जिसको बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है, लाइव प्रोजेक्ट्स में भी यूज किया जाता है। कि मान लो कि आपने कोई फंक्शन रन किया और आपने कोई ऐसे लॉगिन लगाया हुआ है कि हमें पता चल जाए कि ये जब क्रॉन जॉब रन होगी तो इसका क्या टाइम होगा, उसका क्या नाम होगा, तो हमें ये सारी की सारी डिटेल मिल जाए। इन रियल टाइम सिनेरियोस मैं भी यूज करता हूं, जब भी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता हूं तो इन सब की जरूरत पड़ जाती है। तो उस केस में सबसे पहले आपको डेकोरेटर डिफाइन करने की जरूरत होती है ताकि जितने भी फंक्शन उसको बाद में कॉल करें तो उनको सेम ही रिजल्ट मिल सके, सिमिलर रिजल्ट मिल सके कि किस टाइम पे वो चीजें रन की हैं, उनका नाम क्या है। तो इसमें आप जैसे देखोगे कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है लॉग डेट टाइम के नाम से, और उसमें मैंने सिर्फ लॉग करने के लिए, सिर्फ जैसे डेट और टाइम लॉग करने के लिए एक रैपर फंक्शन डिफाइन कर दिया है, जिस पे रिटर्न में मैंने रैपर फंक्शन को ही कॉल किया। और उसके बाद आप देखोगे कि मैंने 3 प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है, सबसे पहले उस फंक्शन का नाम आ जाएगा और उसके बाद वो कब रन किया था उसका टाइमिंग प्रॉपरली आ जाएगा, और उसके बाद मैंने सिंपली उनको सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटर का यूज किया है। तो इस तरह से हम किसी भी डेकोरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इस डेकोरेटर को अपने फंक्शंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट बताया था एट द रेट लिखकर उसके बाद डेकोरेटर का नाम लिखने के बाद उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम ये 3 प्रैक्टिस करेंगे। मैंने 3 ऐसे फंक्शंस डिफाइन किए हैं जो कि उस डेकोरेटर को यूज कर रहे हैं। सबसे पहला है डेली क्रॉन जॉब का, दूसरा है वीकली क्रॉन जॉब का, और तीसरा है मंथली क्रॉन जॉब का। तो मैंने जैसे ये 3 फंक्शन डिफाइन किए उसके अंदर मैंने कुछ स्लीप टाइम लगा दिया ताकि जब हम आउटपुट में देखें तो हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लीप वैल्यू को लगा दिया है। तो उसके
उसके बाद आप देखोगे कि जब मैं इन फंक्शंस को फिर से कॉल करूंगा, यानी कि डेली क्रॉन जॉब को आगे मैंने पैरेंथेसिस का यूज किया है, इट मींस कि मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। सिमिलरली मैं सारे के सारे फंक्शंस को इसी तरह से कॉल करूंगा। और जिस तरह से मैंने आपको पहले ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताई थी कि किस तरह से कंट्रोल कहां से कहां जा रहा है, उसी तरह से इसमें भी वैसा ही कंट्रोल जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे कि जो हमें आउटपुट में चीजें मिल रही हैं, यानी कि पहले केस में फंक्शन का नेम और उसके बाद उसका टाइम आ रहा है, दूसरे केस में भी फंक्शन का नेम और उसके बाद उसका टाइमिंग आ रहा है, यानी कि जब जब वो चीजें रन हुई हैं उसका हमें नेम और उसका हमें टाइमिंग प्रॉपरली मिल रहा है, तो इस चीज को हम अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो कि डेकोरेटर के बेसिस पे आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया हो। इसके अलावा एक पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर का कंसेप्ट होता है, लेकिन वो मैं आपको फ्यूचर वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी के लिए इतना काफी है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, व्हाट डू यू मीन बाय अ डेकोरेटर, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। तो इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताने की जरूरत होती है, देन उसके बाद आप कोई भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप ये वाली एग्जाम्पल भी उनको उस दौरान बता सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फ्लो प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कब कहां पर कंट्रोल जा रहा है। एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज, हैव यू एवर यूज्ड डेकोरेटर इन योर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, इफ यस एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन में आप जो क्रॉन जॉब वाली मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, आप उसके बारे में बता सकते हो कि क्रॉन जॉब किस तरह से आपने सबसे पहले डेकोरेटर डिफाइन किया, जो कि हमें लॉगिन की चीजें देगा कि कब कोई पर्टिकुलर फंक्शन रन किया था, उन सब चीजों की डिटेल हमें दे देगा, और उसके बाद आपने किस तरह से फंक्शंस डिफाइन किए, तो ये सारी की सारी एग्जांपल आप उस दौरान बता सकते हो। थर्ड पॉइंट इज, व्हाई वी यूज डेकोरेटर। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके बताए थे, आप ये सारे के सारे पॉइंट्स उनको उस दौरान बता सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ अ फंक्शन एग्जीक्यूट इन पाइथन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक आप पैरेंथेसिस का यूज नहीं करते, ओपन ब्रैकेट का यूज नहीं करते, तब तक आप किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो आप ये सारे के सारे एग्जाम्पल उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके बता सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज, राइट अ सिंटैक्स ऑफ अ डेकोरेटर। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स बताने की जरूरत होती है कि किसी भी डेकोरेटर को किस तरह से बनाया जाता है और उसको किस तरह से कॉल की जाती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज बताने की जरूरत होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वॉक थ्रू द कोड। कभी कभी क्या होता है कि वो आपको प्रॉपरली खुद ही कोई डेकोरेटर दे देते हैं और आपसे सिर्फ यही पूछते हैं कि यहां से कंट्रोल कहां पे जा रहा है, तो इसमें वो जो वेरिएबल वाला कंसेप्ट मैंने यूज किया था ये वाला, इसके बेसिस पे वो काफी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि जब तक हम पैरेंथेसिस का यूज नहीं करते तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अगर आपको इस एग्जाम्पल में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो, तो मैंने फिफ्थ पॉइंट जो भी मैंने पहले एक्सप्लेन करके बताया था, आप उसको फिर से एक बार देख सकते हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि आप ये वाला कंसेप्ट किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें जो मेन चीज देखने वाली होती है वो ये होती है कि जो 13 लाइन पे मैंने उससे पहले वाला कंसेप्ट बताया था वो कब प्रिंट होगा और उसके बाद वाला कंसेप्ट कब प्रिंट होगा, यही चीज वो मेनली पूछते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि डेकोरेटर के बेसिस पे पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉपर कंसेप्ट और इससे जुड़े क्वेश्चन समझ में आ गए हो। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगा उन कमेंट का रिप्लाई करने का। इसी के साथ अगर आपको मेरा काम या फिर मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो, तो मेरी वीडियोज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।